कम ने गुरुवार को निर्दलीय विधायकों को सलाह देते हुए कहा, सरकार से संतुष्ट नहीं हो तो अलग रास्ता देख लें। बीजेपी को इन निर्दलीय विधायकों का सहयोग चाहिए या नहीं, यह बीजेपी हाईकमान और संगठन तय करेगा। गौरतलब है, नेता प्रतिपक्ष सागर जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित संभागीय बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। अपने नेताओं से कह रहा है तुम रेत के, और प्रश्नकर्ता ये पूछ लगे समय मध्य प्रदेश में कह रहा कोई अपने नेताओं से कह रहा है तुम रेत के, और प्रश्नकर्ता बयान दिया है कि जो सरकार में शामिल सहयोगी है विषय ये नहीं है, इसको हमारे नेता लोग देखेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तो, प्रदेश नेतृत्व तो, वो देखेगा, पार्टी देखेगी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जैसा अखबार में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हमने क्या भूल कर दी सरकार को समर्थन देके, यदि इस बारे में वो निराश हैं सरकार के बारे में, तो मैंने यही कहा है कि यदि वो निराश हैं तो अपना रास्ता देखें, वो अपना कुछ। आपको उम्मीद है आपके साथ आएंगे? नहीं, हम उम्मीद नहीं, तो हमारी पार्टी के नेता बताएंगे, जो दल के प्रदेश के नेता हैं और राष्ट्रीय नेता हैं वो इस बात को तय करेंगे, मैं तय करने वाला नहीं। झाबुआ पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर उठे आरोपों को खारिज किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को शिकायत होने पर पार्टी फोरम पर और सीधे सीएम से अपनी बात कहने की नसीहत दी। जी देखिए, मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब से सरकार कमलनाथ जी की आई है भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो गया है। जब सरकार पिछले 15 साल भाजपा की थी तो भाजपा के दलाल हर थाने पे बैठते थे, हर तहसील पे बैठते थे, हर सरकारी कार्यालय पर भाजपा के दलाल रहते थे। ये जो पूरा सिस्टम है दलाली का, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर कोई भी मंत्री या विधायक कोई भी आपत्ति है, मेरा सबसे ही आग्रह है कि पार्टी फोरम पे बात करें, हमारे मुख्यमंत्री जी से निजी बात करें, ताकि जो भी समस्या है उसमें हमारे सीएम साहब हर समस्या का हल निकालेंगे। वहीं मंत्री जयवर्धन सिंह ने प्रदेश में चल रहे हालात के साथ उमंग सिंगार के आरोपों पर बोलने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर मंत्री जयवर्धन सिंह ने स्वयं सिंगार से मिलकर अपना पक्ष रखे जाने की बात कही है। और बड़ा संगठन है, सामाजिक संगठन ढंग से इसको। देखिए, ऐसी बात नहीं है, चाहे अरुण यादव जी हो, वो मेरे वरिष्ठ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। उमंग सिंघार जी भी मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री हैं, मेरे साथी हैं। अगर उनने कुछ भी टिप्पणी की हो तो आप उनसे पूछिए, और जहाँ तक मेरा सवाल है, जो मेरा उसमें सोच है मैं उनको प्रकट करूँगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल शहर में पोस्टर लगाए। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के माध्यम से सिंधिया को अध्यक्ष बनाने की मांग की है। गैंगरेप पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायपुर एयरपोर्ट पर कहा, पीड़िता को न्याय मिलेगा। गौरतलब है, कोरिया जिले की एक महिला ने नशीली दवा पिलाकर बलरामपुर थाना प्रभारी और 2 आरक्षकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। 3 महीना गुजर जाने के बाद भी दुष्कर्म के इस मामले पर FIR दर्ज नहीं हुई।
नहीं, न्याय के लिए भटकने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, उसकी आवश्यकता नहीं है, पूरा न्याय मिलेगा। चूंकि मेरी जानकारी में भी नहीं है, कल मैं दिल्ली में था, परसों से रात को लौटा हूँ, अगर जानकारी में आएगी तो निश्चित तौर पे तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो पुलिस का कोई भी अधिकारी हो। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी के ऊपर गुरिल्ला थाने में जाति प्रमाण पत्र को लेकर एफआईआर हुई है। यह एफआईआर समीरा पैकरा ने कराई है। गौरतलब है कुछ दिन पहले ही समीरा पैकरा ने इसी मामले को लेकर एसपी ऑफिस का घेराव किया था, जिसके बाद ही अमित जोगी की गिरफ्तारी हुई थी। अजीत जोगी और अमित जोगी वो जन्मजात फर्जी हैं। अजीत जोगी जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो आईएएस थे, आईपीएस थे, इंजीनियर थे। उसके बाद में जब तहसील गोरेला में जब उनका प्रमाण पत्र बना 1967-68 में, वो प्रमाण पत्र में एक पत्रस तिरकी ने शपथ पत्र दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं नायब तहसीलदार बिलासपुर में था, मेरा पदस्थ अपना पेंडा रोड में नहीं थी और मेरा सिल मुहर और मेरा साइन को उपयोग किए हैं, ये झूठा है, गलत है और इसलिए मैं शपथ पत्र देता हूं कि ये फर्जी है। इस मैटर को लेकर के मैं थाने जा रही हूं, एफआईआर करा दें। कोरिया जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सोनहत में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सर्व संगठन के लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है विद्यालय में सोनहत जनपद के एक बाबू का लंबे समय से आना जाना रहता है। इस बाबू का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोगों ने ज्ञापन सौंपा। बटियागढ़ के ग्राम बहेरिया टपरिया के निवासी आज भी पक्की सड़क से वंचित है। बारिश के दौरान यह कच्ची पगडंडी कीचड़ से सन जाती है, इससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, वहीं बीमारों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे मामले में यहां दो लोगों की मौत हो चुकी है। क्या समस्या आप लोगों को? यहाँ से 70 वर्षों से समस्या जा रही ग्राम की, जो आज नहीं यहाँ से जुड़ा आगारा बहिर गया है, जो बहरिए तक रास्ता गई है। यहाँ पे 10-25 आदमी बीमार हो जाते हैं और 2-4 लोगों की मौत हो जाती है, फंसने समस्या ही कारण है। यहाँ जो नाला है, इस नाला से जो आम रास्ता है सब लोगों की, ग्राम बहिरिया की और ग्राम पंचायत आजनी में आती है। हमारे यहाँ रोड की समस्या है, जो कि ग्राम पंचायत अगारा से मुख्य मार्ग के लिए 3 किलोमीटर की रास्ता है और सर बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर, बच्चों को भी बड़ों को भी, हर कोई के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या सर इस यहाँ पर रास्ता की। और यहाँ पर कई अप्रिय घटना भी हो चुकी हैं, जैसे कि अभी कुछ बीते हुए वर्षों में यहाँ पर एक लड़के कुएं में गिरने से मौत हो गई, जो कि आधे ही रास्ते तक ले आए थे, और एक लड़के की करंट लगने से मौत हो गई थी। और यहाँ पर अभी करीब एक सप्ताह पहले सांप के काटने से मृत्यु हो चुकी है। जिला मुख्यालय मुंगेली के नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 400 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत है, लेकिन इसमें विषयवार शिक्षकों की कमी है, वहीं भवन की हालत भी जर्जर है, जिससे परेशान छात्र हो रहे हैं। विद्यालय में विज्ञान, गणित, कॉमर्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों की कमी के चलते छात्र कोर्स में पिछड़ रहे हैं, इससे परेशान होकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर समस्या के निराकरण करने की मांग की है।
साल हो गया, दो साल से हमारे स्कूल में मतलब टीचर नहीं है, दो टीचर हैं, दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और हमारे स्कूल में मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है टीचर के कारण, टीचर गर्मी के कारण, जिस समय मतलब तिमाही पेपर आने वाले हैं, डीएड के कारण ना डीएड वाले आके पढ़ाते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। प्रारंभ करने वाले हैं, मत हमारे पास उपलब्ध है, उससे हम लोग इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, शिक्षकों की व्यवस्था के लिए ऑलरेडी चार शिक्षक वहाँ पे हम लोगों ने आदेश कर दिया है, उसमें से दो शिक्षक ज्वाइन किए और एक शिक्षक ने मेडिकल लीव लिया है और जो दो शेष शिक्षक बचे उनको तत्काल ज्वाइनिंग के लिए मैं आदेश कर दे रहा हूँ और इसके अलावा दो अतिथि शिक्षक रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम। सर, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष सलमान रिजवी ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने इस मौके पर बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती संपत्तियों पर किए गए कब्जों को खाली करवाना है, आपसी समझौते या न्यायालय का सहारा लेकर ये कार्य किया जाएगा, इसके बाद उन जमीनों पर सामाजिक कार्य होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का सभापति चेयरमैन का आज पदभार ग्रहण किया गया और मैं जो मुख्य चुनौती है वक्फ संपत्तियों में जो कब्जे हैं उसे खाली कराना ही मुख्य उद्देश्य और मुख्य चुनौती है, जिसे आपसी समझौते के तहत या फिर न्यायालय का सहारा लेके या शासन स्तर पे बातचीत करके इसे कब्जा मुक्त किया जाएगा और कब्जा मुक्त करने के पश्चात जो ज़मीनें खाली होगी वहाँ स्कूलों, कॉलेज और हॉस्पिटल जैसी जनता से जुड़ी सुविधाएं बनाने का काम किया जाएगा। ग्वालियर संभाग के नवनियुक्त कमिश्नर MB ओझा ने कहा है उनका मुख्य फोकस लोगों के पेंडिंग प्रकरण निपटाने और ग्वालियर के विकास पर होगा, इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के साथ ही मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार से खाली पड़े महापौर पद की नियुक्ति को लेकर जवाब तलब किया है। नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को इस मामले में एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करना होगा। गौरतलब है ग्वालियर का सांसद बनने के बाद विवेक शेजवलकर जून में महापौर पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। हमने उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की है वो मेयर से संबंधित है और हमारे वर्तमान सांसद जो कि पहले मेयर चुने गए थे उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात जो कैजुअल वैकेंसी मेयर की यहाँ पर थी उसको भरने के संदर्भ में, क्योंकि ग्वालियर में विकास के कार्यों के लिए जो पूर्व में हमने अभ्यावेदन दिए थे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भिंड में सिलेंडर फटने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। चलिए करते हैं अगली खबर की बात, जो कि रीवा के त्योथर से है। त्योथर में भी शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के तहसील शाखा अध्यक्ष श्याम बिहारी तिवारी द्वारा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी थे। अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष गीता राजबड़ी मांझी ने। कार्यक्रम में आयोजन में वक्ताओं ने शिक्षक दिवस पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षकों के साथ क्षेत्रीय पत्रकारों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। श्री राजेश कुमार, धीरेन्द्र सिंह जी जो सचिव तहसील शाखा के हैं, आप सभी हमारे पूर्व कर्मचारी नेता जिन्होंने समाज कहती है, लेकिन जो उस मंजिल तक उसे दूसरे को पहुंचा देता है। खत्म कर रहे हैं तो ये बड़े शुभ की बात है। कोई कुछ भी हो जाए, आप समाज को खत्म नहीं कर सकते हैं। आप समाज की धारणाओं को, समाज में जो व्याप्त है, जो अच्छाइयां हैं, जो सम्मान है, आप उसको खराब नहीं कर सकते हैं। और भिंड में एक युवक को शराब खरीदने और ज्यादा कमीशन नहीं देने पर फेसबुक पर कमेंट करना महंगा पड़ गया। शराब माफियाओं ने युवक को सांसद के सरकारी बंगले के बाहर बुलाया और उसको अर्धनग्न कर जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक को हाईवे पर दौड़ाकर पीटा गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने उमरी थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने मारपीट करने वाले चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। काली माता मंदिर के पास में नीति यादव की मारपीट की थी, तो उसने अपराध दर्ज कर लिया है। कितने लोगों पर मामला दर्ज? चार लोगों का अपराध। गिरफ्तारी किसी की अभी तक है? गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, टीम बना दी गई है। इंदौर एसटीएफ ने की टीम ने एक दुर्लभ तेंदुए किंग लियोपार्ड की बेशकीमती खाल सहित एक फरार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम गफ्फार उर्फ भैयू है। वह ग्रीन पार्क कॉलोनी चंदन नगर इलाके का रहने वाला है। बताया जाता है इस तेंदुए की खाल तंत्र मंत्र के काम आती है। आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपये का इनाम था। जबलपुर के कुंडल थाना क्षेत्र के बीजापुरी गांव के पास जंगल में आज एक छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा मंगलवार को दोपहर में स्कूल से अपने घर जाने के लिए निकली थी। घटनास्थल को देख रेप की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं एसपी ने जल्द ही मामले में खुलासा करने की बात कही है। उमरिया जिले में एडीजे सुरेंद्र शर्मा के घर बंधक बनाकर लूट के प्रयास मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीओपी ने बताया एडीजे के घर में घुसकर उन्हें बंधक बनाने और लूट करने वाले सभी आरोपी स्मैक एवं गांजे के नशे की लत का शिकार है और घर से रुपये चोरी कर मेहर दर्शन के लिए निकले थे, जहाँ रास्ते में इन्होंने बड़ी मात्रा में स्मैक खरीदी और नशा किया और जब पैसे खत्म हो गए तो लूट की वारदात को अंजाम दिया।
छतरपुर में चाचा भतीजे के आपसी दुश्मनी में ड्राइवर की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल छतरपुर के महाराजपुर में चाचा भतीजे के बीच कई महीनों से जमीन को लेकर विवाद जारी था। घटना वाली रात विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे ने कट्टा से गोली चला दी, जिससे ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इंदौर के बहुचर्चित संदीप अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी रोहित सेठी को पेशी के दौरान मसूरी के होटल में रुकवाना 7 पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। मामले का खुलासा होने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने आरआई देवेंद्र यादव सहित 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें, रोहित सेठी शहर के बहुचर्चित संदीप अग्रवाल की हत्या के आरोप में ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद है। मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रेशर क्यों कर रहे हो सर आप? मेरा वीडियो मत बनाओ, देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे हाथ नहीं उठाओगे, प्रूफ नहीं हुआ रिंग सर को बुलाओ ना यहाँ पे। अभी प्रूफ नहीं हुआ रिंग किसने लिया? हमारी चीज खो गई। उसकी पेशी आई थी 8 जुलाई की बात है, जैसी मेरे को जानकारी दी गई है। यहाँ से 6 लोग लेके गए थे, रेलवे वारंट लिए थे, उनको रेल से सफ़र करना चाहिए था और पुलिस रेगुलेशन के जो पैरा है इस विषय में उनका रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए था, उनको देहरादून में पेशी करा के वापस लाना चाहिए था। मुझे बताया गया कि उन्होंने अपना ब्रीफ, अपना मैंडेट का वायलेशन किया, उसको मसूरी तक लेके गए। फर्दर अहेड ऑफ देहरादून एक होटल में आरोपी वो जो अंडर ट्रायल है रुका, वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाई, फिर होटल वालों से झगड़ा हुआ। ये बेहद आपत्तिजनक है, पुलिस जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है उसके अनुसार और जितने भी अपने पुलिस के बाकी जो वो है सर्कुलर्स हैं उसके मुताबिक पुलिस अधीक्षक ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हटा थाना से कुछ ही दूरी पर बैंक के पास खड़ी बाइक की डिग्गी से 1,00,000 रुपए की नकदी ले उड़े। दो चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी करतूत बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक रात में निकालने के बाद हम यहाँ से मंदिर में चौराहे से और होते हुए हम ATM पहुँच गए, राय चौराहे मछराई वाले, पुरानी मछराई वाले ATM पहुँचे। वहाँ पर हम अंदर ATM में चले गए। अंदर ATM में जाने के बाद हमें 5-8 मिनट लग गए अंदर, तो उतने में हम बाहर आए तो हमने देखा कि मतलब हमारी डिग्गी का लॉक टूटा हुआ है। हमने डिग्गी देखी तो उसमें पैसे नहीं थे। कितने रुपये की चोरी है? उसमें 1,00,000 रुपये थे। और किसने घटना की आप पहचानते क्या उनको? नहीं पहचानते नहीं। निवासी गांधी वार्ड में थाने को सूचना दी है कुछ समय पहले, तो ATM से पैसे निकालने गए थे, वो बाहर उनकी मोटरसाइकिल की डिग्गी में भी कुछ पैसे रखे थे। उन्हें अज्ञात आदमी डिग्गी तोड़ के वो पैसे निकाल के ले जाए, जिस समय उन्होंने अभी तत्काल पैसा ही चोरी और एक टीम बनाकर भेजी गई है। सभी फुटेज उटेज तलाश कर रहे हैं, जैसे भी जानकारी मिलती है अग्रिम कार्रवाई की जाती है। दीपा बिंद की बेटी लता टंडन के द्वारा लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन में लगातार 72 घंटे खाना बनाने का प्रयास जारी है। 52 घंटे लगातार खाना बनाने का कार्य पूरा कर चुकी है। अभी तक 130 मिनट का ब्रेक भी ले चुकी है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगी भारत का वो नाम।
भिंड जिले के मोरछठ मेले का आयोजन किया गया, जिसमें नवविवाहिताओं के मौरी का मंगल गीतों और बीच सरोवर नदी तालाबों में विसर्जन किया गया। जिले में हो रही जोरदार बारिश के कारण जहां जिले के सभी डैम लबालब भर गए, वहीं सुल्तानपुर के पास बना पलकमती डैम का एकमात्र गेट भी खोला गया। इससे सुल्तानपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर के 3 वार्डों के कई घरों में पानी भर गया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए।